हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छा ही होंगे। दिन की शुरुआत एक न्यू ब्लॉग के साथ हो गया और अभी मैं ना ही अपने घर से ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ, ना ही मैं अपने घर के छत पे से। हम ये जो ब्लॉग है ये मिथिलांचल की सबसे खूबसूरत जगह मतलब प्रसिद्ध जगह में से एक है सिमरिया। सिमरिया धाम से मैं ये ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ और अभी मैं कुछ छोटा सा मतलब ट्रैवल करके बोला था ना ट्रैवलिंग के लिए मैं जाऊँगा, तो उसी ट्रैवल पर आया था। किसी को पहुंचाना था इसलिए मैं आया था, इसलिए मैं सोचा यहीं से ब्लॉग के स्टार्टिंग कर देता हूं। तो गाइस आप लोग कैसे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। और मेरा नाम है बर्जेस और आप देख रहे हैं बर्जेस देसी ब्लॉग्स। तो सभी दोस्तों से तो अभी कुछ इस तरह का नज़ारा है यहां का। इसको सूरज जो अभी निकल ही रहा है, सुबह के 7 बज रहा है करीब, और इस तरह का कुछ नज़ारा है। और ये है अपना राजेंद्र सेतु पुल जो बिहार की प्रसिद्ध पुल में से एक है, और यह गंगा नदी। और यहाँ पे अभी रेलवे का काम चल रहा है बगल में जो डबल लाइन का होगा, और वहाँ पे जो है वो 4 लेन रोड का काम चल रहा है। तो मैं सोचा अभी यहाँ तो यहाँ आया था तो मैं यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर देता हूँ। और ये मेरे साथ है मेरा फ्रेंड, देखता हूँ कैमरा आता है कि नहीं, चंचल हाय कर। और ये है मेरा फ्रेंड चंचल जो मेरे साथ आया था, वो भी किसी को छोड़ने आया था, जो मेरा भाई था और इसका भाई था वो कलकत्ता गया है, अभी जो दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाला है उसी को देखने गया है। तो अभी नीचे से साइड ट्रेन गुजर रही थी, पुल ज़्यादा ही हिल रहा है, डर भी लग रहा है ऊपर में कि काफ़ी ज़्यादा पुराना राजेंद्र सेतु पुल है। इस ब्लॉग में आप लोगों को अच्छा अच्छा क्लिप देखने को मिलेगा जो ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग है। मैं कहीं जो मैं अकेला तो था नहीं जो मैं शूट करता, तो दोस्त उस था तो मैं क्लिप ही बना के डाल दिया हूँ। क्लिप को एंजॉय कीजिएगा आप आगे इसी ब्लॉग में। तो अभी देखिए इस पर अभी ट्रक का परिचालन बंद है क्योंकि पुल डैमेज हो गया अभी, और अभी छोटा गाड़ी इस पर निकलता है। तो अभी इस तरह का कुछ नज़ारा है, और वो है खड़ा, वो सेल्फी ले रहा है, पबजी प्लेयर है। अगर इसका पबजी का आईडी चाहिए तो कमेंट करो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आईडी दे दूँगा। हेलो दोस्तों, अभी मैं राजेंद्र सेतु पे इंटर करने वाला हूँ, तो आप लोगों का राजेंद्र सेतु का नज़ारा दिखाता हूँ। Bye.
हेलो दोस्तों, मैं भी घर आ चुका हूँ। जैसा कि आप ये क्लिप देखे होंगे तो आपको अंदाज़ा हो ही गया, तो मैं एक ट्रैवलिंग पर गया हुआ था जो कि मिथिलांचल के सबसे प्रसिद्ध स्थान में सिमरिया धाम है, और मैं वही इसी अजिंदलपुर का ट्रैवलिंग किया था। और अगर ये क्लिप आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट करना। अगर इस ऐसे ऐसी ब्लॉग आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और आज की ब्लॉग काफ़ी छोटा है मुझे पता है, लेकिन आज गर्मी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्म धूप रखा है, इसलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और एडिट करने का भी टाइम हो गया है, तो ये धन्यवाद दोस्तों।